ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने जैसा पहले ही बताया था कि कल का जो है वेंसडे का लेक्चर हम आज प्रीपोन कर लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, वो डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 से दिया था, तो वहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट। बाकी क्वेश्चन हो गए सारे? चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है कि द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास, तो हम कौन सा यूज करते हैं अभी करेंटली? यार हम यूज करते हैं 1/12 ऑफ C12, याद है? ओके, तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हैं ना, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाले का डायरेक्ट आंसर है थ्री वेस्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देन फिफ्थ वाले में क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट, तो केमिकल फॉर्मूला से क्या पता चलता है? ऑब्वियसली केमिकल फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है कि नहीं, है ना? तो किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है केमिकल फॉर्मूला से ही पता चलता है। जैसे हमारे पास मान लो H2 है, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है भाई? H2O के एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे तो दो हाइड्रोजन एटम है और
और एक ऑक्सीजन एटम है ना, तो ये हमें पता चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली साइज नहीं पता चलता, शेप भी नहीं पता चलता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल पता चल जाता है एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल में सी और डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर सी एंड डी दोनों करेक्ट आ सकते हैं। अब्दुल हैंड रेज किया हुआ है, ग्रुप पे मैसेज करो, क्या प्रॉब्लम है बोलो, ग्रुप पर मैसेज करो पहले। तो एक स्पैमर आ गया है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, स्पैमर आ गया था, अब्दुल कुछ तो था, रिमूव कर दिया उसको। ओके, तो H2O में दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि किसी केमिकल फॉर्मूला में, मतलब केमिकल फॉर्मूला से क्या पता चलता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम पता चलते हैं एंड ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल भी पता चलते हैं। यहाँ पर सी एंड डी दोनों करेक्ट होने चाहिए, मेरे ख्याल से उन्होंने डी करेक्ट दिया होगा। ओके, उन्होंने डी करेक्ट दिया होगा, बट सी एंड डी दोनों ही करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द कंटेनर पी एंड क्यू ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स O2 एंड SO2 रेस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन एंड 180 प्रेशर। तो एक्चुअली ये तुमने शायद पहले पढ़ा होगा, एक एवोगैड्रो करके लॉ होता था, पढ़ा है क्या, 10th तक आया है क्या कहीं पे एवोगैड्रो लॉ? तो उसमें क्या होता है, नहीं आया? ओके, तो बता देते हैं, वैसे आगे गैसेस चैप्टर में आए गए। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास ओके था बट गॉट कैंसल्ड, ओके, तो क्या है कि अगर हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम होंगे, ठीक है, ये अगर तीनों सेम है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों क्या सेम है, देन नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहे। ओके, ये है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो एट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम या सेम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ओके, एट सेम प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो देखो दोनों गैस का O2 एंड SO2 दोनों गैस का क्या है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी दोनों का सेम है एंड वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो करेक्ट क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, यस सी ऑप्शन। ओके, आज काफी स्पैमर आ गए यार, कैसे पैसे पहुंचा इन लोगों के पास, सेकंड स्पैमर रिमूव किया है, लिंक कैसे पहुंचा इन लोगों के पास। नेक्स्ट टाइम से ग्रुप पर मैसेज करोगे तो मैं इन करूंगा, अदरवाइज मैं इन नहीं करूंगा, बिकॉज काफी स्पैमर आने लग गए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने कर लिया है।
Now, next question. Seven point 5 grams of gas occupies 5.6 liter of volume at STP. The gas is. So देखो हमारे पास क्या है? गैस का वेट दिया और गैस का वॉल्यूम दिया है STP पर. STP मतलब यहाँ पर NTP ले लेना, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था ना, जनरली STP वाली को NTP ले लिया जाता है ना. तो 22.4 वाला ही लेके चलना. तो देखो 7.5 ग्राम है हमारे पास. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे यार? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 7.5 डिवाइड बाय मोलार मास. ओके, एंड इतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से भी. तो वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर है. तो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या आता है? दोनों को इक्वेट करने पर मोलार मास कितना आ रहा है? 30 आ रहा है ना. ओके, तो मोलार मास 30 किसका है यार? इसमें 30 मोलार मास किसका है? NO का है ना. ओके, तो मोलार मास 30 किसका है? NO का. ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. तो 1 mole ऑफ CO2 contains. तो देखो हमारे पास 1 mole ऑफ CO2 है, उसमें अलग अलग किसके क्या क्या है. तो देखो 1 mole ऑफ CO2, तो हमें और अलग ओके, दिस इज 9th एक्चुअली, सॉरी. ओके, सिर्फ जल्दी यस, सो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था. द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, और कंपाउंड का हमें क्या दिया है? C60
S120 दिया, ठीक है, ये हमें दिया है उसका फॉर्मूला। तो इसके वन मॉलिक्यूल का वेट निकालना, सबसे पहले इसका मोलार मास क्या है भाई, इसका मोलार मास कितना होगा, इट इज 60 × 12 प्लस 122, दैट इज 720 प्लस 122 कितना आया, इट इज 842 ना, सो 842 ग्राम हो गया इसका मोलार मास। तो मोलार मास क्या होता है, एक मोल का मास होता है ना, तो मास ऑफ एनए मॉलिक्यूल हमें पता है, ओके, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ एनए मॉलिक्यूल, कितना है मास ऑफ एनए मॉलिक्यूल, इट इज 842 ग्राम। अब हमें निकालना मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, इट इज 842 बाय एनए, कितना ग्राम हो जाएगा ना, तो कितना आएगा ये सब्स्टिट्यूट करके, सो 842 अपॉन 6 × 10³ कितना आया, × 10⁻², या फिर 1.6 × 10⁻², यही होगा ना, यस, 1.4 × 10⁻², तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्लियर है सबको, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वन मोल ऑफ CO2 कंटेंट, तो वन मोल ऑफ CO2 में क्या क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो उसमें बोला इतने कार्बन आइटम है, इतने ऑक्सीजन आइटम है और इतने CO2 के मॉलिक्यूल, ओके, तो वन मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए, एनए मॉलिक्यूल, एनए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मतलब कि 6.02 × 10⁻², तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा कार्बन के कितने एटम है, ऑब्वियसली एक CO2 मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है ना, तो एनए एटम्स ऑफ कार्बन मतलब कि 6.02 × 10⁻², एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, ऑब्वियसली 2 times होंगे, तो 2 NA एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब 2 × 6.02 × 10⁻²। एंड डी ऑप्शन क्या है, 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2, वो रॉन्ग है, ग्राम एटम्स ऑफ CO2 टर्म ही रॉन्ग है, क्योंकि CO2 इज मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल होना चाहिए, ओके, ग्राम मॉलिक्यूल होना चाहिए था। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ABC में, ऑब्वियसली बी ऑप्शन रॉन्ग है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट। प्रीवियस पेज देखो जल्दी भाई, स्थिति जल्दी देखो, हो गया स्थिति, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस होता है N2 गैस, ओके, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1.4 / 28 कितने हो गए इसके मोल, होएगी नहीं, बिकॉज मोलार मास इज 28, तो 1.4 / 28 इन मोल्स, ओके, मोल्स ऑफ किसके, N2, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो 1.4 / 28 × NA मॉलिक्यूल हो गए, हमें क्या निकालना है, एटम निकालना है ना, तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है ना, ओके, सो कितने एटम हो जाएंगे, 1.4 / 28 × NA × 2 atoms, तो कितना आ गया ये, दिस इज नथिंग बट 0.1 NA, हम बोल सकते हैं 6.02 × 10⁻², क्लियर है सबको, सो ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? तो ए में देखो क्या है, 22.4 × 10⁻²³ ml, कितना लीटर हो गया, 22.4 लीटर हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं, एक्चुअली इन्होंने इन्हें देना चाहिए था एट एनटीपी, ठीक है, वो दिया नहीं है, अगर नहीं दिया होता तो बाई डिफॉल्ट ये मान लेते हैं, ठीक है, तो एनटीपी देना चाहिए था। तो एनटीपी पर अगर 22.4 लीटर है तो कितना मोल होगा यार, कितना मोल होगा बताओ, 1 मोल होगा ना, तो 1 मोल CO2 मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na मॉलिक्यूल, ओके। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें ही सबसे कम मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ओके। नंबर ऑफ मोल्स अगर मॉलिक्यूल के कम है तो मॉलिक्यूल भी कम होगा, तो नंबर ऑफ मोल से भी देख सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी निकाल लो। तो ए ऑप्शन में ऑब्वियसली 1 मोल या Na मॉलिक्यूल आ रहा है। बी ऑप्शन में देखो क्या है, 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे यार, डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे ग्राम से मोल्स निकालने के लिए, ठीक है, तो हाफ मोल या हम बोल सकते हैं Na बाय 2 मॉलिक्यूल, ओके। सी ऑप्शन में क्या है, 11.2 लीटर, ऑब्वियसली यहां पर 11.2 लीटर दिया, ये भी ऑब्वियसली किस पर है, एनटीपी पर है, तो 11.2 लीटर में कितने मोल्स होंगे डिवाइड बाय 22.4, कितने मोल्स आए, हाफ मोल्स, ठीक है, तो ये भी हाफ मोल्स हो गए। या मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कितने होंगे, Na बाय 2 मॉलिक्यूल। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, 0.1 मोल, उसमें डायरेक्टली हमें मोल ही दिया हुआ है, तो 0.1 मोल मतलब 0.1 × Na मॉलिक्यूल। तो सबसे कम मॉलिक्यूल किस में आ रहे हैं बताओ, सबसे कम मॉलिक्यूल कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, डी ऑप्शन, ओके, डी ऑप्शन जो है उसमें सबसे कम मॉलिक्यूल। हाँ दक्ष बोलो, हेलो दक्ष, दक्ष बोलो, सर कैन यू हेयर मी, नहीं दक्ष आवाज नहीं आ रही तेरी, दक्ष आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो दक्ष आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दो क्या कोई डाउट है तो। हाँ तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्ष आवाज नहीं आ रही है, यस दक्ष, अगर हमें लाइक जस्ट वॉल्यूम दिया और उन्होंने कंडीशन नहीं दिया ना एनटीपी वगैरह की, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको एनटीपी लेंगे, ओके। यहाँ पर ए एंड सी ऑप्शन में उन्होंने जस्ट वॉल्यूम दे दिया था गैस का, बट एनटीपी नहीं दिया था, ऑब्वियसली देना चाहिए था बट नहीं दिया, तो हम उसको एनटीपी ले लेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ grams of H2SO4 present in 0.25 mole of H2SO4 is, so number of grams मतलब weight की बात हो रही है, तो weight कितना होगा H2SO4 का in 0.25 mole, तो 0.25 mole of H2SO4 है, weight कैसे निकालें यार बताओ, multiply कर देंगे molar mass से, ठीक है, so इसका molar mass कितना होता है, 98 होता है, तो कितना आ जाएगा ये, this is 24.5 grams, ओके तो यहां पर मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 98। ओके
सो मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, वेट आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एट एनटीपी 1 ग्राम H2 हैज ए वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो हमें 1 ग्राम दिया है, तो 1 ग्राम H2 में कितने मोल्स होंगे यार, 1/2 मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो वॉल्यूम एट एनटीपी क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ एनटीपी क्या होगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 22.4 से कर देंगे, तो कितना आया 11.2 लीटर। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 19.7 केजी ऑफ गोल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम स्मगलर, द एटम्स ऑफ गोल्ड रिकवर्ड आर। ठीक है, तो हमारे पास 19.7 केजी था, तो देखो नंबर ऑफ पोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ पोल्स ऑब्वियसली आइटम आ सकते हैं, तो वेट किसमें होना चाहिए नंबर ऑफ पोल्स के लिए, याद है नंबर ऑफ पोल्स के फॉर्मूले में वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए ना, यहाँ पर केजी में दिया है तो पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो ये ग्राम में आ गया। नाउ नंबर ऑफ पोल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 19700 डिवाइड बाय मोलार मास, मोलार मास मतलब 197, तो कितने आ गए 100 मोल आ गए। तो 100 मोल में कितने एटम्स होंगे, ऑब्वियसली एयू में हमारे पास एक मोल में कितने एटम है, एन एटम्स, तो 100 मोल में कितने हो जाएंगे, 100 × n एटम्स, तो 100 × n एटम्स कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, इट इज 6.02 × 10^25। ओके, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सबको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, तो उसमें क्या दिया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 amu, am एवोगाड्रो नंबर ये है, देयरफॉर। अच्छा देखो वही सेम कॉन्सेप्ट कि वन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो देखो दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हो इसको वैसे तो, फर्स्ट मेथड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ना, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है CO2 का यार, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ, इट इज 44 amu, लेकिन हमें आंसर amu में नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए, एक्चुअली उन्होंने लिखना चाहिए यहाँ पर द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो उन्हें यूनिट लिखना चाहिए था, जो ऑप्शन है ना 15 में जो ऑप्शन है वो ग्राम में है। ओके, सो 44 amu को हम जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, याद है AMU का ग्राम में कन्वर्जन बताया था ना, 1.67 × 10^-24 ग्राम, याद आया। ओके, सो इसको ग्राम में हम कन्वर्ट कर लें। ओके, तो एक तो ये तरीका ये है करने का। ओके, तो यहां से जब करते हैं तो ये आता है 73.48 × 10^-24 ग्राम, ऑब्वियसली हम लिख सकते 7.348 × 10^-24 ग्राम, तो एक मेथड तो ये है। ठीक है, दूसरा मेथड देखो क्या है, हमें पता है कि मास ऑफ वन मोल क्या है, मास ऑफ वन मोल मतलब कि Na मॉलिक्यूल कितना है भाई, CO2 के वन मोल का मास कितना है, 44 ग्राम है ना। ठीक है, वन मोल मतलब कि Na मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा। ठीक है, Na मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम, तो वन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 44 by Na होगा ही नहीं होगा, तो 44 by Na का वैल्यू कितना आएगा, 44/6.02 या 6 ले लो × 10^23, तो देखो कितना आएगा, ये वही आ जाएगा, देखो सॉरी ऊपर ये 23 हो गया,
ओके सो वही सेम वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है सबको? ओके सो यहाँ पर 15th में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑब्वियसली आंसर इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं. ओके सो 15th में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. The number of moles of H2 in this much volume of hydrogen gas at NTP. तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे यार? अगर हमें वॉल्यूम एट NTP पता है तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 22.4. तो कितना आएगा? इट इज 0.01. क्लियर है? नाउ 17th में चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो वन मोल मीन्स दिस मच पार्टिकल. करेक्ट है फर्स्ट वाला. मोलार मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. अच्छा बी ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट है बताओ. बी ऑप्शन यहां पर रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है बताओ? मोलार मास क्या है यार? मोलार मास एक मॉलिक्यूल का मास है कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास है? मोलार मास जो है इट इज मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल. ओके सो मोलार मास इज मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल. ठीक है, ये एन ए मॉलिक. ठीक है तो ये रॉन्ग है. उन्होंने बोला मोलार मास जो है एक मॉलिक्यूल का मास है. तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. देखो मोलार मास इज मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, या फिर मोलार मास को ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेशन ग्राम भी लिख ही सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू होती है, जस्ट यूनिट क्या होती है? ग्राम. नाउ 18th वाला, 3 मोल ऑफ अमोनिया. 3 मोल ऑफ अमोनिया. अमोनिया मतलब NH3. तो इसमें किसके कितने कितने? ओके तो देखो 3 मोल ऑफ अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन है ना. एंड हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 3 टाइम्स. ठीक है, मतलब 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन है. अच्छा ये तो मोल्स आए ना, उनका अगर हमें वेट निकालना है तो क्या होगा यार? 3 × 14 ग्राम मतलब 42 ग्राम. एंड इसका वेट निकालना है तो 9 × 1 ग्राम मतलब 9 ग्राम. तो कौन सा करेक्ट है? ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट है ना. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 19. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 36 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? 36 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री हमें दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डिवाइड बाई 22.4 करें क्या? डिवाइड बाई 22.4 करें. देखो जो डिवाइड बाय 22.4 वाला जो है वो गैस के लिए एप्लीकेबल है. डिवाइड बाय 22.4 वाला जो है वो गैस के लिए एप्लीकेबल है. ml यहां पर नहीं, अगर ml की जगह लीटर होता ना तो भी हम डिवाइड बाय 22.4 नहीं करते क्योंकि ये वाटर है. और जो डिवाइड बाय 22.4 वाला फॉर्मूला, इट इज ओनली फॉर गैस. ओके क्लियर है? तो डिवाइड बाय 22.4 वाला फॉर्मूला जो है ओनली फॉर गैस है. तो फिर कैसे करेंगे यार? तो देखो यहां पर हमें ब्रैकेट में डेंसिटी दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है? इट इज गिवन एज 1 ग्राम पर ml. ओके एंड साथ साथ हमें वॉल्यूम भी दिया है. वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया 36 ml. तो वॉल्यूम और डेंसिटी से वेट निकाल लेंगे हम. तो 36 × ऑब्वियसली डेंसिटी. याद है वेट क्या होता है? वॉल्यूम × डेंसिटी होता है ना.
कितना आ गया 36 ग्राम आ गया ना, वेट ऑफ वाटर आ गया तो मोल्स आ जाएगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया 36/18, बिकॉज वेट से मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय मोलार मास करते हैं, कितने मोल्स आए, दो, तो दो मोल्स आ गए तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2Na मॉलिक्यूल हो गए। नाउ एक मॉलिक्यूल H2O का अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, वन मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं ना, तो 2Na मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, 10 × 2Na मतलब 20Na प्रोटॉन्स होंगे। ओके, तो यहां पर कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो डिवाइड बाय 22.4 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन डिवाइड बाय 22.4 किसके लिए फॉर्मूला है, गैस के लिए। ओके, तो यहां पर ब्रैकेट में डेंसिटी दिया था, वो जो है ना वेयर रो है, तो सिंपल को बोलते हैं रो, तो रो इज डेंसिटी, तो डेंसिटी दिया था, वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी और वॉल्यूम से वेट निकाला, देन वेट आ गया तो मोल्स आ गए, मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल आ गए, एंड मॉलिक्यूल से प्रोटोन निकाल लिया। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ मेंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, तो देखो ए ऑप्शन देख लेते हैं यार, तो वन ग्राम ऑफ ओ टू में कितने मोल्स हो गए यार, 1/32 मोल्स ऑफ किसके हैं, ओ टू के, ठीक है, 1/32 मोल्स ऑफ ओ टू तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, मल्टीप्लाई बाय एन ए, तो Na by 30 मॉलिक्यूल्स हो गए O2 के, तो Na by 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो एटम्स के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो इतने एटम्स हो गए O के, मतलब कितना आ गया, Na by 16 आ गया। ओके, सो फर्स्ट वाले का ये हो गया, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा हमें दिया है 1 ग्राम ऑफ O3, नाउ 1 ग्राम ऑफ O3 में क्या है भाई, तो 1 ग्राम ऑफ O3 में कितने मोल्स होंगे, 1/48 मोल्स ऑफ O3, तो 1/48 मोल्स ऑफ O3 में कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na/48 मॉलिक्यूल्स हो गए ऑफ O3, नाउ ये मॉलिक्यूल्स आए, तो एटम के लिए क्या करें, एटम के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने एटम्स ऑफ O हो गए, मतलब Na/16, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला करेक्ट है ना, अच्छा सेकंड वाला करेक्ट है क्या भाई, सेकंड वाला करेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो तो बी में हमें क्या दिया था, यहां पर बी में दिया 1 ग्राम ऑफ N2, तो 1 ग्राम ऑफ N2 में कितने मोल्स होंगे, 1/28 मोल्स ऑफ N2, 1/28 मोल्स ऑफ N2 मतलब Na/28 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, और इतने मॉलिक्यूल्स हो गए तो एटम के लिए क्या करें, एक मॉलिक्यूल में दो एटम, तो 2 times ऑफ Na/28 एटम्स ऑफ N, मतलब कितना है, Na/14 आ गया। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, 2 ग्राम ऑफ N, देखो N2 नहीं है, क्या दिया, 2 ग्राम ऑफ N दिया है, नाउ 2 ग्राम ऑफ N में क्या होगा यार, इट इज 2/, अब देखो N है ना कि N2, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 14, तो 2/14 मोल्स ऑफ N, मतलब ऑब्वियसली N मतलब एटम ही हुआ ना, सो इट इज 2/14 × Na एटम्स ऑफ N आ गए, तो डिफरेंट आ रहा है ना, ओके दैट इज नथिंग बट Na/7, तो ये क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो बी रॉन्ग है, यहां पर करेक्ट कौन सा है, ए करेक्ट, क्लियर है सबको, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। The molecular weight of green vitriol is m0. The weight of 10^-3 Na gram
मॉलिक्यूल्स, सॉरी 10^-3 एनए मॉलिक्यूल्स। तो देखो एनए मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा यार, वेट ऑफ एनए मॉलिक्यूल्स कितना होगा ग्राम में, एनए मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ना, तो 1 मोल का वेट कितना होता है, मोलार मास ही होता है ना, बस यूनिट ग्राम में लिखते हैं, तो एम नॉट ग्राम हो गया, ठीक है। सो एनए मॉलिक्यूल का वेट हो गया एम नॉट ग्राम। तो हमें कितने का पूछा है यार, हमें पूछा है वेट ऑफ 10^-3 एनए मॉलिक्यूल कितना होगा, तो ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, एम नॉट बाई एनए इंटू 10^-3 इंटू एन, कितना आ गया है, दिस इज एम नॉट इंटू 10^-3 ग्राम दिया है कहीं कहीं पे, एम नॉट इंटू 10^-3 ग्राम। देखो डी ऑप्शन है लेकिन उसमें यूनिट देखो मिलीग्राम, डी ऑप्शन में 10^-3 इंटू एम नॉट है बट यूनिट क्या है मिलीग्राम, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी क्यों करेक्ट ऑप्शन होगा यार, हमें पता है कि 10^-3 ग्राम इज नथिंग बट 1 मिलीग्राम, यह है कि नहीं है, है ना। तो ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10^ एम नॉट मिलीग्राम, ओके, एम नॉट इंटू 10^-3 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, एम नॉट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10^-3 21 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी एम नॉट मिलीग्राम। सर व्हाई डिड वी डिवाइड एनए, यार मिर्दुल यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, देखो हमें पता है कि एनए मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो इतने मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया ना, एनए का इतना है तो 1 का कितना होगा, 1 का होगा ये, एंड 10^-3 एनए का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10^-3 इनटू एनए, क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। Now, next question number 22. So, which of the following has the highest mark? So, देख लेते हैं, तो भाई A option में क्या है, 1 ग्राम, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है, हाफ मोल ऑफ CH4, तो हाफ मोल ऑफ CH4 का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, CH4 का मोलार मास 16, तो कितना है, ये हो गया 8 ग्राम। 10 ml ऑफ H2O का वेट कैसे निकाले यार, ये निकालेंगे यूजिंग डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है इसका 1 ग्राम पर ml, ठीक है, वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा 10 ग्राम। इसके अलावा डी ऑप्शन में क्या दिया है, डी ऑप्शन में दिया ऑक्सीजन, तो डी में क्या है, 3.011 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ओ दिया है, तो एटम्स ऑफ ओ दिया है तो मोल्स निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 6.0 इंटू 10^23 मोल्स ऑफ ओ मतलब एटम, ओके, एटम का मोल्स आ गया कितना है ये, That is nothing but half moles of A, half moles of O. तो ऑक्सीजन के मोल्स मिल गए, नाउ मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मोलार मास, बस ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना आएगा, 8 ग्राम आ जाए। तो सबसे ज्यादा मास किसका आया, ए ऑप्शन में ही आया ना, यस, ए ऑप्शन में 12 ग्राम आ रहा है, ओके, तो हाइएस्ट मास किसमें होगा, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन में। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन, ये तीनों क्या बताते हैं, मोल्स बताते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन था मतलब मोल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके नाउ आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी 23. सो 23 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम. लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है तो भाई ए में क्या है 2.5 मोल ऑफ CH4. तो 2.5 मोल ऑफ CH4 तो कितने मॉलिक्यूल हो गए यार 2.5 Na मॉलिक्यूल हो गए. तो एटम कितने आएंगे ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है. सो 2.5 Na into 5 कितने एटम्स हो गए कितना है दिस इज नथिंग बट 12.5 Na ना. ओके नाउ बी ऑप्शन में बी ऑप्शन में 10 मोल ऑफ हीलियम दैट इज नथिंग बट 10 इंटू Na एटम्स ऑफ हीलियम. सी ऑप्शन में कितना है सी ऑप्शन में 4 मोल्स ऑफ SO2 है. तो 4 मोल्स ऑफ SO2 मतलब क्या हो गया 4 इंटू Na मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है सो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए तो एटम क्या करेगा तो देखो कितने एटम है 3 एटम्स है ना तो एक दैट इज 12 Na एटम. ओके एंड व्हाट अबाउट डी तो डी में हमें दिया है 1.8 मोल ऑफ S8 तो 1.8 मोल ऑफ S8 मतलब 1.8 इंटू Na मॉलिक्यूल. तो ये मॉलिक्यूल आए नाउ एक मोल में कितना एटम है 8 एटम्स है ना तो मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना इसमें आएंगे. क्लियर है सबको. ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम. देखो मॉलिकुलर मास क्या है हीलियम का मॉलिकुलर मास इज 4 AM. ठीक है मॉलिकुलर मास क्या होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल में का मास है 4 ग्राम 4 AMU हम बोल सकते हैं 4 AMU में एक मॉलिक्यूल है. तो 4 AMU में कितने मॉलिक्यूल हैं एक मॉलिक्यूल. सो 52 AMU में कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ 1/4 इंटू 50 कितने आए. ओके तो आंसर हो जाएगा 13 मॉलिक्यूल. अगर यहाँ पर के बजाय ग्राम होता ना एंड आंसर 13 Na हो जाता उसके इसमें आंसर क्या होता 13 Na मतलब अगर उन्होंने माप दिया होता इफ मास इज 4 ग्राम सॉरी इफ मास इज 52 ग्राम देन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आते 52/4 मतलब 13 मोल्स आते. तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने हो जाते 13 Na हो जाते. ठीक है लेकिन हमें मास ग्राम में नहीं दिया मास हमें किस में दिया है AMU में दिया. ओके सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा सी ऑप्शन होगा. ओके 13 मॉलिक्यूल होंगे ना कि 13 N. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया देखो. सो 25 में दिया है हमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम आयन ऑफ नाइट्रेट. तो देखो हमें 2 ग्राम आयन दिया है, 2 ग्राम आयन मतलब 2 ग्राम आयन का मतलब क्या है, 2 मोल ऑफ NO3 नेगेटिव आयन. नाउ देखो एक मॉलिक्यूल सॉरी एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 आयन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 3 × 8, इसके अलावा नेगेटिव साइन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने हुए 32 इलेक्ट्रॉन. तो एक आयन अगर हम लेते हैं तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास आयन कितने यार, 2 मोल आयन मतलब 2Na आयन है ना. सो एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन, तो 2Na आयन में कितने होंगे यार, 32 इन दैट इज 64Na इलेक्ट्रॉन हो गए. क्या रहे नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंटिंग 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6, ठीक है. तो K4FeCN6 के 0.5 मोल में कार्बन का मास कितना है, तो देखो कार्बन के मोल कितने होंगे यार, तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 6 टाइम, तो इतने मोल्स हो गए कार्बन के, दैट इज नथिंग बट 3 मोल ऑफ कार्बन. नाउ 3 मोल ऑफ कार्बन का वेट क्या होगा यार, 3 × इसका कार्बन का मोलार मास 12 होता है, तो क्या आ गया 36. क्लियर है. Now next question. में बोला द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 28 ग्राम ऑफ CO2 की अगर हम बात करेंगे तो 28 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे यार, 28 डिवाइड बाय 44 मोल्स मतलब कितने मोल्स हो गए, 7/11 मोल्स है ना. तो इतने मोल्स हो गए तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 7/11 इंटू एनए मोल्स. ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स से भी देख सकते हो तुम, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है. बट ठीक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देख लो. इसके अलावा 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, तो C2H5OH का मोलार मास 46 ही होता है, 46/46 मोल मतलब कितना आ गया, 1 मोल. तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हुए, ऑब्वियसली N मॉलिक्यूल. देन सी ऑप्शन में क्या है, 36 ग्राम ऑफ H2O. नाउ 36 ग्राम ऑफ H2O मतलब 36 डिवाइड बाय मोलार मास 18, तो कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2Na मॉलिक्यूल हो जाए. एंड डी ऑप्शन में क्या है, 54 ग्राम ऑफ N2O5, तो N2O5 का मोलार मास कितना है, 108 है, सो 54/108 मोल हो गए, दैट इज नथिंग बट हाफ मोल. सो हाफ मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na/2 मॉलिक्यूल. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो ऑब्वियसली वो किसमें आए, सी ऑप्शन में आया ना, 36 ग्राम ऑफ H2O. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. How many electrons are present in 180 gram of water? So 180 gram of water में पहले moles निकाल लेते हैं, तो number of moles क्या होगा, 180 divided by molar mass, that is 10 moles. So 10 moles हो गए, and molecule कितने हो जाएंगे, 10 into Na molecule. So
into Na molecule हो गए. Now एक molecule में कितने इलेक्ट्रॉन है यार? So one molecule of H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10. तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और तो 10 एनए मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे यार? 10 इंटू 10 एनए, ठीक है, दैट इज 100 एनए इलेक्ट्रॉन. ओके, सो हमें आंसर जो है 100 एनए मिल जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर इन दिस. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएगा 2.48 डिवाइड बाय, इसका जब मोलार मास करोगे तो 248 हो रहा होगा शायद. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, 0.01 आ गया. ओके, 0.01 इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, ये मोल्स हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, 0.01 इंटू एन ए. ओके, इतने मॉलिक्यूल हो गए. अब देखो एक मॉलिक्यूल में H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में 5 है ना H2O, ठीक है, सो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स होगा ना, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स विल बी 5 टाइम्स. ठीक है, दैट इज 0.05 NA का, तो ये हो जाएगा 0.3, हमें बोल सकते 3 × 10⁻², ठीक है, 3 × 10⁻²² आ जाए. क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन ए 90% प्योर सिल्वर वायर. अब देखो वेट ऑफ वायर कितना है, वेट ऑफ वायर जो है वो है 10 ग्राम, लेकिन उस पूरे 10 ग्राम में सिल्वर नहीं, उसमें जस्ट 90% ही सिल्वर है, क्योंकि बोला द वेट ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन 90% प्योर सिल्वर. 90% प्योर सिल्वर मतलब अगर पूरा 100 ग्राम लेंगे तो उसमें 90 ग्राम सिल्वर. ओके, तो वेट ऑफ वायर ही हो गया, तो वेट ऑफ सिल्वर क्या होगा, obviously 90% of 100 ग्राम कितना होगा, इट इज 9 ग्राम, ठीक है, सो वेट ऑफ सिल्वर आ गया 9 ग्राम. तो हमें उसमें एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे पहले निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 9 डिवाइड बाय मोलार मास, दैट इज 108, तो इतने मोल्स हो गए, दैट इज नथिंग बट 1/12 है ना, तो 1/12 मोल्स आ गए हमारे पास. तो एटम्स कितने होंगे, 1/12 × Na. ओके, या फिर 6 × 10⁻², दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 × 10⁻²³ एटम, या 5 × 10⁻², क्लियर है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे. नाउ बचे हुए 10 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करो, कुछ लोगों ने अगर नहीं किया है तो बचे हुए 10 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करो, वो हम डाउट लेक्चर के दिन डिस्कस करेंगे. ओके, सैटरडे हमारा डाउट लेक्चर है ना, उस दिन बचे हुए 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है या जिनको थोड़े बहुत डाउट हुए हैं 30 के बाद में, वो फिर से एक बार उनको अटेम्प्ट करें. अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो और कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हुए होंगे. ओके, तो कल हमारा लेक्चर नहीं है, कल का लेक्चर हमने आज ले लिया है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हाँ दक्ष, अगर एसटीपी दिया है तो भी एनटीपी वाला ही ले लेना, ठीक है. एसटीपी पे हमने बताया था 22.7, बट ऑप्शन में जो वैल्यू दी होती है वो 22.7 के हिसाब से नहीं दी होती, वो वैल्यू 22.4 के हिसाब से दी होती है. ओके, तो एसटीपी को भी एनटीपी मान ले. तो चलो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे. यस दक्ष, वी कैन अप्रोक्सीमेट. ओके, सो बाय, टेक केयर.